Last 10th NCERT chapter 12 exercise 12.2 question number 3. The length of the minute hand of a clock is 14 cm. Find the area swept by the minute hand in 5 minutes. तो मेरे को length given है, length of minute hand is equal to 14 cm. Actually ये किसके इक्वल होगा, यही radius होगी circle की, जो ये हमारे पास clock है, एक circle है और हमें मिनट हैंड की लेंथ गिवन है, मतलब मेरे को ये रेडियस गिवन है, सो आई विल से रेडियस इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर. ठीक है, फिर हमें बोला कि फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट. अब एक चीज बताओ, मिनट हैंड पूरे 60 मिनट के अंदर एक सर्कल लगा लेगा, सो आई विल से इन 60 मिनट, इन 60 मिनट पूरा एक सर्कल लगा लेगा, मतलब 360 डिग्री एंगल कवर हो गया. तो 5 मिनट में कितना एंगल कवर होगा, 360 डिवाइड बाय 60 इंटू 5 डिग्री, कितना एंगल कवर होगा, तो 0 से 0 कट 6, तो ये कितना आ गया हमारे पास, 30 डिग्री आ गया. सो नाउ एज वी नो दैट एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल थीटा डिग्री इज इक्वल टू थीटा बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर. तो एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ 30 डिग्री कितना बनेगा, 30 डिवाइड बाय 360 डिग्री इंटू पाई, और रेडियस हमारे पास क्या गिवन है, 14 का स्क्वायर. ठीक है, तो 0 से 0 कट 312, तो ये किसके इक्वल आ गया हमारे पास, पाई इंटू 14 स्क्वायर डिवाइड बाय 12. तो इसको मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करता हूँ, तो हमारे पास फाइनली किसके इक्वल आ रहा है, 154 डिवाइड बाय 3 सेंटीमीटर स्क्वायर.